इंडिया का जो सफर रहा है बहुत ही बेहतरीन सफर रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर। भाई खेले हैं 8 मैचेस जिसमें से जीते हैं 6 मैच, 1 हारे हैं और 1 रेन आउट हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं कहां है टीम इंडिया इस पॉइंट्स टेबल पे। जैसे हम आपको कह रहे थे कि क्वालिफाई हो चुकी है भारतीय टीम, ये एक आखिरी लीग मैच, अगर इस मैच को वो जीतेंगे तो मिलेंगे 15 पॉइंट, और अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाती है साउथ अफ्रीका से तो इसका मतलब यह है कि भारतीय टीम जो है वो फिनिश करेगी नंबर 1 स्पॉट पे, और ये बहुत बड़ी बात माउद भाई, जिस तरीके से टीम इंडिया खेली है। बिल्कुल, कहीं से कोई मौका दिए ही नहीं अपोनेंट्स को। जैसे स्टार्ट किया, सारे मैचेस जीते, एक मैच हारे वो इंग्लैंड के खिलाफ हारे, बाकी एक मैच उनका हुआ नहीं न्यूजीलैंड से, वो रेंड ऑफ हो गया था। तो ओवरऑल कंप्लीट परफॉर्मेंस थी और मुकाबले देखिए कोई फंसे भी नहीं, सारे मुकाबले बहुत आराम से जीत गए। और उनके पास ऐसी टीम है जो जो बैलेंस्ड की बात करते हैं, चाहे फील्डिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, इंडियन टीम के पास विराट कोहली एज ए कैप्टन इतने लकी हैं। टीम तो उन्होंने बनाई पर लकी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके पास मैच विनर्स हैं। शामी का मौका मिला तो वो आके विकेट लेते हैं, बुमराह की बात करें जब मैच फंसता बॉल फेंकते हैं विराट कोहली की तरफ तो बुमराह विकेट लेके देते हैं, रोहित शर्मा का फॉर्म बात कर लें, उसके बाद जो भी जिसको मौका मिल रहा हो, हार्दिक पांड्या की बहुत कम बात हुई क्योंकि हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है पूरे इस वर्ल्ड कप में। तो ऐसे प्लेयर्स हैं एज ए कैप्टन, आई थिंक उनको कहना होगा कि वो लकी हैं एज ए कैप्टन की ऐसे मैच विनर्स उनके स्क्वाड में। भाई चर्चा हम यहाँ भी करते रहेंगे लेकिन पूरा हिंदुस्तान पहले चर्चा कर रहा था कि मिडिल ऑर्डर में क्या हो रहा है, नंबर 4 पे कौन आएगा, धोनी कैसे परफॉर्म करेंगे। अब नेहरा भाई दूसरी चर्चा होगी, इंडिया को सेमीफाइनल में किससे खेलना चाहिए, और ये है दूसरी चर्चा। आपको इसका सिनेरियो दिखा देते हैं हम कि क्या हो सकता है अगर भारतीय टीम लीग के एंड में नंबर 1 खत्म करती है तो वो खेलेगी नंबर 4, यानी कि वो खेलेंगी न्यूजीलैंड के साथ। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो जीत जाती है और इंडिया सेकंड फिनिश करती है तो वापस भाई एडवेस्टन में मुकाबला होगा इंग्लैंड की टीम के साथ। तो ये इस सिनेरियो के बारे में आशीष जी आपकी विशेष टिप्पणी क्या है? मेरी तो देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अगर इंग्लैंड और इंडिया का, अगर भारत का और इंग्लैंड का अगर फाइनल मुकाबला होना तो उससे अच्छा वर्ल्ड कप फाइनल कुछ नहीं होगा कि पैसे वसूल हो जाएंगे पूरे टूर्नामेंट में। इस टूर्नामेंट में अभी तक हालांकि पहला हाफ मैं कहूँगा कि थोड़ी सी बारिश हुई तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें हुई, उसके बाद तो टूर्नामेंट पूरा मज़ेदार रहा है कि आप ये नहीं कह सकते कि आज देखिए आखिरी 2 लीग मैचेज हैं तो भी ये भी इनको भी आप डेड रबर नहीं कहेंगे कि अभी भी लड़ाई है कि किसका मैच किससे होगा। 3rd पे इंग्लैंड, 4th पे न्यूजीलैंड है वो तो है, पर भारत और ऑस्ट्रेलिया कौन पहले पायदान पर ख़त्म करेगा कौन दूसरे पे, तो वो भी देखने वाली मजेदार रहेगी बात। भारत का मुकाबला मैं कहूंगा कि मैनचेस्टर में अगर खेले भारत तो बेहतर है जी। इंग्लैंड के साथ अगर हम एक मैच हारे हैं एडवेस्टन में ही, कि अगर देखिए जिस तरीके की पिच थी कि धीरे थी, ऐसा नहीं है कि भारत वहां पे इंग्लैंड को हरा नहीं सकता, वो भी करीबी मुकाबला हुआ था, पर इंग्लैंड और भारत का अगर फाइनल होगा ना तो जो पूरी दुनिया में जो लोग चाह रहे थे कि जिस तरीके का मैच, वो देखने का मजा एक अलग ही होगा। और इंग्लैंड की जैसी एक टीम है, मेरा मानना है कि अगर कोई भी एक टीम है जो भारत को ना कि दे कैन गिव रन फॉर देयर मनी, कि जिनको जो जोखिम में डाल सकती है भारतीय टीम को विश्व कप उठाने से, तो वो इंग्लैंड की टीम है कि पूरी एक कंप्लीट टीम है। जैसे आपने बात करी कि भारत की मिडिल ऑर्डर की थोड़ी चर्चा हुई है, या शामी ने कमाल की गेंदबाजी करी है, पर जब बात आती है कि सिर्फ 2 ही तेज गेंदबाज खेल रहे हैं तो शामी की जब डेथ बोलिंग है ना तो उस पर थोड़ी सी अटकलें हो सकती हैं जी, क्योंकि आपके पास बुमराह है पर भुवनेश्वर कुमार होते हैं तो क्या होता है वो पुरानी गेंद शामी से बेहतर कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से। ओवरऑल गेंदबाजी शामी ने कमाल की करी है उसमें कोई शक नहीं है, तो इंग्लैंड से थोड़ा सा बच के रहना होगा भारत को। तो वो अगर फाइनल का मुकाबला हो कि लॉर्ड्स में खेलें इंडिया और इंग्लैंड तो अलग ही एक मजा रहेगा, बाकी तो देखिए क्रिकेट है कि जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। जहाँ पहुंच गए आपकी राय जानना चाहूंगा, इंडिया को न्यूजीलैंड से खेलना इंडिया के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा? देखिए लोग कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम हल्की है, मैं नहीं मानता, नॉकआउट में न्यूजीलैंड की टीम अच्छी इतनी हल्की टीम नहीं होगी, उनके पास गेंदबाजी है, जिस टीम के पास गेंदबाजी होती है वो टीम हल्के में उसको ले नहीं सकते, क्योंकि न्यूजीलैंड अगर मान लो टॉस जीता है, ओवरकास्ट कंडीशन है, थोड़ा पहले उनकी बॉलिंग आ गई, 3-4 विकेट पावर प्ले में आउट करी, तो वो टीम ऐसी है जो जीत सकती है। तो मेरे ख्याल सब लोग चाह रहे हैं कि न्यूजीलैंड से खेले, पर मेरा मानना है कि टॉप 4 में वो भी अच्छा खेल के आए टूर्नामेंट। न्यूजीलैंड का हमेशा रिकॉर्ड अगर आप देखें, उनका ट्रेंड बॉल की बात करें, फर्गसन की बात कर लें, वो उनका बॉलिंग फॉर्म चल रहा है, करंट फॉर्म को देख के कह रहे हैं जिस तरीके से टीम अभी खेल रही है, पिछले 3 मैचेस लगातार हार रहे हैं इंग्लैंड से ऑफकोर्स उनका होम कंडीशन है, होम ग्राउंड है, और वो जब टॉस जीत के पहले बैटिंग करते तो वो डेंजरस साइड बन जाते हैं, वो दिखाया करके जिस तरह से कमबैक किया हारने के बाद, इंग्लैंड ने 2 मैच लगातार जीते, दिखाता है कि अंडर प्रेशर कमबैक करने का जज्बा है, मादा है इनकी टीम में, इसलिए उनको लोग टूर्नामेंट जीतने के करीब मान रहे हैं कि अच्छी टीम हो सकती है, वर्ल्ड कप जीत सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि न्यूजीलैंड को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी वो विलियमसन कप्तान, स्मार्ट कप्तान है, अच्छे बल्लेबाज हैं और टीम को अच्छा खिलाते हैं।